क्लास, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने उर्दू बे में यानी उर्दू कवायद इंशा की जो आपकी उर्दू ग्रामर है उसमें से हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है, सबसे पहले तो हम पद पढ़ेंगे वालिद साहब के नाम, उसके बाद मुज़क्कर मोनस, और मजमून हम आज इलामे इकबाल का जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप अपनी बुक्स और नोट्स जो आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं उसको आप ओपन कर लें और मेरे साथ साथ आप भी इनको पढ़ते जाएं और समझते जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं वालिद साहब के नाम। तो उससे पहले मैं आपको खत का तहरीरी खाका जो है वो समझाऊंगी कि जब भी आपने खत लिखना है उसका उसका खाका या उसका जो पैटर्न है वो किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले आप जब खत शुरू करते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो एड्रेस होता है, अपना पता होता है खत पे सबसे ऊपर वो लिखते हैं। सबसे पहले आएगा कमरा इम्तहान, उसके बाद उसी के नीचे बिल्कुल लाइन से इधर ना उधर आपने लिखना है लाहौर और फतमा। फिर उसके नीचे जो है जो उस दिन की डेट होगी आप वो मेंशन करेंगे, जैसे कि 30 मई 2020, और ये हमजा यानी इसमें का ये आएगा। ये जो साइन है ये आपने लाजमी तौर पर लिखने हैं क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपने अगली लाइन से मेरे प्यारे जो भी आप कोई शुरू करते हैं, ये यहाँ पे तो हम वालिद साहब के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी चचा भाई या मामू के नाम करते हैं या वालदा के नाम करते हैं तो वहां पर आप उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे वालिद साहब के नाम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे अब्बा जान। और ये साइन जो होता है ये भी लाजमी लगाते हैं, इसको इस साइन को कहते हैं नदाया साइन या फजाया, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ी सी स्पेस देके थोड़ी जगह छोड़ के अस्सलाम वालेकुम लिखना है, और अगेन दोबारा आपने वही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपके खत का जो बाकी मतन है वो यहाँ पर आप लिखेंगे इन लाइंस के दरमियान। जब आप अस्सलाम वालेकुम के साथ शुरू करेंगे अगली लाइन पे आप जो अस्सलाम वालेकुम के यहाँ पे जो जगह है ये जो जगह है यहाँ से आप अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो खत का इख्तिताम है, इख्तिताम पे आपने जो है वो लिखना है आपका प्यारा या आपकी प्यारी। अब जो बॉयज हैं वो अपना इसमें मुज़क्कर में लिखेंगे और जो गर्ल्स हैं वो इसमें मुअन्नस में जो है वो अपना यहाँ पे नाम और सब चीजें लिखेंगे। और अगर यहाँ पे आएगा अगर बेटा है, भतीजा है, भांजा है, जो भी है यहाँ पर आएगा आपका प्यारा, चूंकि हम वालिद साहब के नाम लिख रहे हैं और तो यहाँ पर आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी ये आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपके आपको समझ आ गई होगी, लेकिन एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब आप खत शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने जो खत का जो खाका है या उसका जो पैटर्न है उसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है, और अगर आप इसमें से कोई भी चीज जो है वो मिस करते हैं, इवन साइन भी अगर आप नहीं लिखते आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं, यानी मार्क्स आपके कट हो सकते हैं। कमरा इम्तहान, उसके बाद लाहौर उसके नीचे आएगा, फिर खत्मा आएगा, फिर यहाँ पे तारीख आएगी, उसके बाद अगली लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़ के मेरे प्यारे डैश और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या नदाई आएगा। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ के अस्सलाम वालेकुम यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद अगेन जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पर आएगा, और फिर बाकी खत का मतन जो है वो यहाँ से आएगा, और उसके बाद इख्तिताम पर आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा भांजा भांजी या आपका दोस्त। ठीक है, जो भी है। आइए अब हम खत पढ़ते हैं।
नंबर 84 ओपन करें तो वहां पे वालिद साहब का नाम खत है, खत का जो पैटर्न है, जो काफ़ा है वो आपने समझ लिया है। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे अबू जान, अस्सलामु अलैकुम। आप ये जानकर खुश होंगे कि मैं सालाना इम्तहान में पास हो गया हूँ या हो गई हूँ। जो गर्ल्स हैं वो हो गई हूँ लिखेंगी और जो बॉयज हैं वो हो गया हूँ लिखेंगे। अब मैं चौथी जमात से पांचवी जमात में चला गया हूँ। पांचवी जमात की किताबें और कॉपियाँ खरीदने के लिए 1000 रुपये भिजवा दें। अम्मी जान की खिदमत में सलाम, भाई बहनों को सलाम। आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी, और जो है यहाँ पर आप ना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। मैं दोबारा कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि जो साइंस और जो अलामात इसमें बताई गई हैं उनको आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है। अब हमारा अगला टॉपिक है, वो है मुज़क्कर मोनस अब्बा का बूढ़ा, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 को ओपन कर लें और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूं, जैसा कि आपको ये बात मालूम होगी कि मुज़क्कर और मोनस हम उनमें क्या फर्क होता है, हम किस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनमें किस तरह से हम तफरीक करते हैं। नर इसम को, यानी कोई भी चीज जो जैसे कि हमने उसका अंदाजा करना है कि वो मुज़क्कर है मोनस है, हम उसको इस तरह से उसका फर्क कर लेते हैं कि जैसे अब्बा, अब्बा जो है वो होता है, अब्बा होती ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो मुज़क्कर होगा, यानी वो नर इसम होगा, जैसे कि लड़का, राजा, बच्चा वगैरह। इसी तरह मादा इसम को मुन्नस कहते हैं। अब मादा इसम में कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, या कोई जानवर हो सकता है, जैसे लड़की या तोती या गाय। गाय जो है अब ये मादा इसम में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी चीज को देखने के लिए क्या कि ये मुज़क्कर ग्रुप में है या मुन्नस ग्रुप में है, हम उसको इस तरह से देख सकते हैं बोल के कि वो होता है या होती है। जैसे शाम जो है वो लफ्ज मुज़क्कर में आता है कि मोनस में, तो शाम क्या है, शाम होती है, रात होती है। ठीक है, और जैसे दिन जो है वो होता है, दिन होती ही नहीं है, तो दिन क्या है, वो मुज़क्कर है। अब हम इसको पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए ताकि आपको बोलने में कोई मुश्किल पेश ना आए। जैसे अब्बा जो है वो मुज़क्कर है, अम्मा है वो मोनस है, उस्ताद मुज़क्कर है, उस्तानी मोनस है, बाप माँ, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, बेटा बेटी, बुढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, भैंसा भैंस, बछड़ा बछिया, भंगी भंगन, जोलाहा जोलाही, चिड़ा चिड़िया, हलवाई हलवाइन, खावन बीवी, दादा दादी, दामाद बहू, धोबी धोबन, दोम दोमनी, रंडवा बेवा, अब्बू अम्मी, ऊंट ऊंटनी, भाई बहन, बूढ़ा बूढ़ी। यहाँ तक आप अपने बुक पे
मार्क लगा लें, निशान लगा लें, ताकि आपको पता हो कि अब्बा से लेके बूढ़ा तक जो है ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। अब हमारा अगला टॉपिक है मजमून। मजमून जो है आज हमारा है इलाम इकबाल के बारे में। बच्चों आप जानते ही होंगे कि इलाम इकबाल कौन थे और उनकी क्या ऐसी खिदमात थी मुल्क के लिए, कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जिसकी वजह से उनको आज तक याद किया जाता है। हम कभी उनको भुला नहीं सकते। सब बच्चे जानते होंगे उनकी एक बहुत मशहूर ये जो एक थी कि उन्होंने शायरी में बहुत नाम पैदा किया और वो पाकिस्तान के कौमी शायर कहलाते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर भी पेश किया, इसीलिए उनको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है, मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी पाकिस्तान के बारे में सोचने वाला, पाकिस्तान की, पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाला, पाकिस्तान के बारे में आइडियोलॉजी जो थी, जो कायदे आजम ने पेश की, दो कौमी नजरिए के हवाले से हम इलामा इकबाल को जानते हैं कि इलामा इकबाल ने किस तरह से मुसलमानों के बारे में बड़े सगीर में उन्होंने हमें बताया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दो अलग कौमें हैं। हमें इस चीज का उन्होंने भरपूर एहसास दिलाया अपनी शायरी के जरिए और अपनी बहुत से खताबात के जरिए। उन्होंने मुसलमानों को गफलत की नींद से जगाया। मुसलमान नहीं जानते थे बड़े सगीर के कि वो किस तरह से अंग्रेजों और हिंदुओं के गुलाम बन चुके हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये इलामा इकबाल ही थे जिन्होंने मुसलमानों को एहसास दिलाया, उनको गफलत की नींद से जगाया। उन्होंने हमें हमारी अहमियत का, हमारे होने का, हमारे वजूद का एहसास दिलाया कि मुसलमान भी एक कौम है और वैसी कौम हमें किस तरह से एक अलग वतन के एक अलग वतन का हमें मुतालबा करना चाहिए, हमारी किस तरह से एक जुदागाना हैसियत है। ये सब चीजों का ख्याल उन्होंने हमें दिलाया। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि इलामा इकबाल कौन थे। इलामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इलामा इकबाल जो थे वो बहुत बड़े शायर थे और उनकी शायरी अगर आप पढ़ें उसमें बहुत वुसअत है। यानी उन्होंने अपनी शायरी के जरिए कोई भी ऐसा जिंदगी का टॉपिक नहीं है जो उन्होंने अपनी शायरी में ना शामिल किया गया। और सबसे बढ़कर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत शायरी की। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो आप इलामा इकबाल की शायरी को जरूर पढ़िएगा। उनकी बच्चों के लिए इतनी प्यारी प्यारी नज़मी है कि उसको पढ़ के बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम एफए तक सियालकोट में हासिल की। उसके बाद आप लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज आ गए। यहां से आपने बीए और एमए के इम्तिहान पास किए। एमए करने के बाद आप इसी कॉलेज में प्रोफेसर हो गए
यानी वहां पर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, आला तालीम हासिल करने के लिए आपको जब मजीद तालीम हासिल करने का शौक हुआ, फिर आप विलायत चले गए यानी बाहर के मुल्क चले गए। वहां से आपने फलसफे की डिग्री हासिल की, फिर आप जर्मनी भी गए और फिर वहां से भी आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की। बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे पढ़ा है कि इलाम इकबाल ने कितनी ज्यादा तालीम हासिल की और उनको कितना शौक था पढ़ाई का। 1908 में आप वतन वापस आ गए। इलाम इकबाल को कुदरत ने शायरी की आला सलाहियत अता की थी, यानी जिस तरह की शायरी आप करते थे, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये सलाहियत अता की गई थी, तो वो बहुत काबिले जिक्र है। यानी ऐसी सलाहियत किसी के पास नहीं थी। जो भी आपकी शायरी पढ़ता था वो बहुत हैरान होता था कि इस तरह की शायरी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये खास आपको अल्लाह ताला की तरफ से ये अनायत थी कि आप बहुत अच्छी शायरी करते। आपने अपनी शायरी के जरिए मुसलमान कौम को एहसास दिलाया कि आजादी बहुत बड़ी नेमत है। आपकी बहुत सी शायरी हमें ऐसी मिलती है जिसमें आपने मुसलमानों को बार बार ये एहसास दिलाया कि हमने गुलामों जैसी जिंदगी नहीं गुजारी, हमारी एक अलग से एक हसीयत है, हम मुसलमान एक कौम है, हमारा एक अलहदा वतन होना चाहिए। आपने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, आपको इसीलिए मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। बांगे दिरा, बाले जिब्रील, पयामे मशरिक, जरबे करीम, ये आपकी वो मशहूर किताबें हैं जिन्हें शायरी में बहुत आला मुकाम हासिल है, जो आज तक पढ़ी जाती है और इनसे बहुत सा फायदा हासिल किया जाता है। आप 21 अप्रैल 1938 को अपने रब से जा मिले। आपका मजार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के करीब है। बच्चों आप कभी अगर आपको बादशाही मस्जिद जाने का इत्तेफाक हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि बादशाही मस्जिद के शुरू में ही इसके जो मेन एंट्रेंस है उसके शुरू में ही उसके साथ इलाम इकबाल का मजार है। तो ये तो हमने इलाम इकबाल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या